अगर अक्षय से ना होती ये एक गलती तो आज रवीना टंडन होती अक्षय कुमार की वाइफ। आइए जानते हैं आखिर क्या है उस गलती का राज जिसकी वजह से रवीना अक्षय की नहीं हो पाई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आपका बिग हेडलाइंस पर। आपको बता दें कि प्यार होना गलत नहीं है लेकिन उसको ठीक से निभाना गलत कहलाता है, यानी ठीक अगर आप नहीं निभा पाए तो प्यार ही नहीं रहता। बॉलीवुड सितारे भी प्यार और अफेयर्स के मामले में बिल्कुल कम नहीं रहे हैं। इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार उर्फ आपको बता दे कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन की प्रेम कहानी के किस्से आज भी पूरे दुनिया में मशहूर है। इन दोनों ने एक साथ कई बड़ी फिल्मों में काम भी किया है, ऐसे में दोनों का करीब आना तो आम बात थी ही। साल आपको बता दे 1994 में मोहरा फिल्म ने दोनों की फिल्मी करियर चमका दी थी। इस फिल्म के दौरान ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल हार बैठे थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों के प्यार के किस्से हर जगह फेमस थे और देखा जाए तो दोनों एक साथ काफी जचते भी थे। दोनों की शादी होने में भी कुछ ही समय शेष था लेकिन फिर एक रात एक गलती ने उनका सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या थी वो गलती? वैसे तो दोनों को कोस्टार्स एक दूसरे के साथ अनेकों फिल्मों में साथ नजर आ चुके थे लेकिन मोहरा फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी में इन्हें असल जिंदगी में करीब ला दिया था। दोनों का पर्दे पर फिल्माया रोमांस दर्शकों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि रातों रात फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं थी लेकिन बल्कि फिल्म के बाद दोनों को एक साथ कई पार्टीज और इवेंट्स में साथ स्पॉट भी किया गया था। हर कोई इनके प्रेम किस्सों की चुस्कियां लेकर मजे ले रहे थे। आपको बता दें कि साल 1996 में दोनों ने खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में एक बार फिर से साथ में काम किया था और दोनों की जोड़ी फिर से सुपर डुपर हिट रही। इस शूटिंग के दौरान दोनों का प्यार और भी गहरा हो चुका था। लोगों के अनुसार दोनों ने शादी तक रचा ली थी लेकिन उनकी शादी की खबर तो महज एक अफवाह थी लेकिन हकीकत में उन्होंने एक मंदिर में छुपकर सगाई रचा ली थी। अक्षय कुमार को रवीना की फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए रवीना ने उस समय अपना उभरता हुआ करियर छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। तो आखिर अक्षय कुमार ने रवीना का करियर इस तरीके से एक मोड़ पर लाकर रोक दिया था। तभी अक्षय की लाइफ में आपको बता दे कि जैसे ही रवीना ने अपना करियर छोड़ने का फैसला लिया और तभी अक्षय की लाइफ में एक एंट्री हुई और फिर सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम करने के दौरान अक्षय कुमार के साथ रेखा का भी अहम रोल था, ऐसे में दोनों के अफेयर के चर्चे सुर्खियों में बन गए। जहां एक तरफ रवीना अपना बना बनाया करियर भी अक्षय के लिए छोड़ने को तैयार बैठी थी, वहीं अक्षय कुमार और रेखा की बढ़ती नज़दीकियों ने आपस में ही दोनों को जोड़ कर रख दिया था। अब कहा जाता है कि इस फिल्म की रिलीज के बाद अक्षय को रेखा के साथ एक पार्टी में भी देखा गया था जो कि रवीना को एक नज़र पसंद नहीं आया और यह एक बहुत बड़ी गलती थी। उन दोनों के रिश्ते की आखिरी गलती बनकर उभर कर रह गई और आपको बता दें कि यह रात दोनों के साथ की आखिरी रात थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हमेशा के लिए दूरियां बना ली। अब बता दें कि लोगों का यह मानना है कि यदि अक्षय रेखा के साथ जाने की गलती नहीं करते तो शायद आज रवीना टंडन उनकी लाइफ में होती और वही उनकी वाइफ भी होती। आप भी बताइए कि आपको कैसी लगी थी इनकी स्टोरी, कैसे लगा आपको इनका ब्रेकअप और पैचअप का ये खबर, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।